एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल, उसका ये मतलब नहीं है कि यू अर्न बिलियन डॉलर्स। कोई भी चीज, छोटी से छोटा गोल भी अचीव करना इज अ सक्सेस। हाय गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों के काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। कई लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और कई लोग सोचते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है और आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो रिजल्ट है आपके थॉट्स का और उन चीज़ों का जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपके थॉट्स में है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज़ द रीज़न कि आप इस पर्टिकुलर इंसान के दोस्त हो, सो यू विल से कि इस इंसान के साथ मेरी वाइब मैच करती है और मेरी थिंकिंग सेम है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। और एक सेइंग है बुद्धा की कि वी बिकम व्हाट वी अट्रैक्ट। और अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेट मी गिव यू अ साइंटिफिक प्रूफ। सी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी, सो आर आवर थॉट्स। अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो इसका मतलब है वी आर रिलीजिंग एनर्जी इन एनवायरमेंट। एंड एवरी, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ दैट हायर द मास हायर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वी आर रिलीजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी इन एनवायरमेंट। तो वो चीज़ हम उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि हमारी थिंकिंग में भी प्रॉब्लम है। वो कैसे? हम सोचते हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, व्हाट्स रॉन्ग विद मी कि मेरे साथ ये बुरी चीज़ हो रही है, एंड इवेंचुअली वी एंड अप डीलिंग विद बैड थिंग्स। लुक, the universe will go on with its own pace even if we think about something or not. So agar sab kuch hona hi hai to kyun na hum kuch acha soch ke try kare ki hamare sath kuch acha ho. We say ki stuff happens, so let's think positively and try ki hamare sath wo stuff hai wo acha ho. Now I will take examples of two different people. Suppose kal aapka koi exam hai ya fir kal aapka koi interview hai, तो एक इंसान कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट रिजेक्टेड और दूसरा इंसान कह रहा है आई विल गेट सेलेक्टेड। सी, अब इंट्यूशन तो दोनों की सेम है, वो चाह सेम चीज़ रहे हैं, लेकिन जो पर्सन ये कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी रिजेक्टेड, ही इज़ रिलीजिंग आ नेगेटिव एनर्जी इन एनवायरमेंट। क्यों? बिकॉज द वर्ड डोंट इज स्ट्रेसिंग हिम आउट, विच विल एंड अप increasing the chances of him actually getting rejected rather than being accepted or selected for that particular opportunity. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना आपके दिमाग में एक दो दिन से लगातार चल रहा हो और आप कहीं पे जाते हो या आपके आसपास से कोई गाड़ी जाती है, कोई कुछ भी ऐसी circumstances होती है कि वो गाना असल में आप सुनते हो environment में, and you think कि this is a coincidence. So let me tell you कि दुनिया में there is no thing as coincidence. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए हो और उसी टाइम पे वो इंसान आपके घर पे आया हो? अब आप कहोगे कि ये भी एक coincidence है। No, it is not a coincidence. It's the law of attraction from both particular ends. That particular person is attracting you and you are attracting that particular person. So the environment molds itself in a way कि आप उसके घर चले जाओ उससे मिलने और वो उसी टाइम पे आपसे मिलने आपके घर आया है। Now let me tell you the importance of keywords. आप एक काम करो, किसी भी सर्च इंजन पे जाओ, गूगल पे जाओ और सर्च करो नेम एनी सिंगर एक्सेप्ट ड्रेक। तो गूगल क्या करेगा, जो आपने बोला नेम एनी सिंगर एक्सेप्ट, उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ ड्रेक की सारी विकिपीडिया, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग आपको दिखा देगा। या फिर आप सर्च करो एनीवन बट ड्रेक या फिर प्ले समवन सॉन्ग बट नॉट ऑफ ड्रेक। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट अ वर्ड्स लाइक नोट डोंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल इन द केस वी डिस्कस अर्लियर, समवन सेड ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट रिजेक्टेड,
तो यहाँ पे द डज नॉट वॉन्ट टू थिंक यूनिवर्स रिजेक्ट करता है, उस चीज़ को इग्नोर करता है, और जो पर्टिकुलर कीवर्ड है रिजेक्टेड, उस चीज़ को यूनिवर्स पिक करके उस हिसाब से एनर्जी रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। लाइक अगर आप कुछ चाहते हैं आपके साथ होना, तो आप ये कहिए कि आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन विद मी, ना कि आप ये कहो कि मैं ये नहीं चाहता कि उसका अपोजिट मेरे साथ ना हो। सी पॉजिटिव थिंकिंग मे और मे नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर यू, बट अ नेगेटिव थॉट विल ऑब्वियसली फॉर श्योर क्रिएट अ नेगेटिव सिचुएशन फॉर यू। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की इंटेंसिटी पॉजिटिव एनर्जी की इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा होती है। सपोज़ आप किसी सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी एक फ़ोटो डालते हो, उस पर 10 कमेंट्स आते हैं जो अच्छे हैं और एक कमेंट आता है विच इज़ नेगेटिव। सो आप वो एक नेगेटिव कमेंट उन 10 पॉजिटिव कमेंट्स को ओवरपावर कर देता है। सी नेगेटिव थिंग्स के साथ डील ही नहीं करना हमने, वी हैव टू ट्राई कि हम उनसे दूर रहें एंड वी डोंट इवन रिस्पोंड टू देम। हमें अगर कोई कुछ नेगेटिव कह रहा है तो ट्राई कि हम नेगेटिव एनर्जी रिटर्न ना करें। एंड द फर्स्ट रूल टू अचीव समथिंग, एंड बाय समथिंग आई मीन अ लॉन्ग टर्म गोल, अ शॉर्ट टर्म गोल, फॉर एग्जांपल कि आज मैंने उठ के ये एक चीज़ करनी है, तो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू थिंक कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। और आई से सपोज अगर आप किसी वर्थलेस नेगेटिव इंसान को जाके कुछ नेगेटिव कहते हो, तो इट इज़ गारंटेड कि आपको आगे से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, ही विल रिस्पोंड टू यू नेगेटिवली। लेकिन अगर आप एक चिल कूल हैप्पी इंसान के पास जाओ और उसे कुछ हेट्रेड करो, हेट्रेड कमेंट करो उसको पास, तो बहुत चांसेस हैं कि वो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी रिस्पोंड नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा। द रीज़न इज़ कि उन लोगों को पता है कि नेगेटिव एनर्जी जब आप दे रहे हो, तो आप सिर्फ उस इंसान के लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो। सी अब लोग कहते हैं कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा और वो मुझे नहीं मिली, तो क्या इसका ये मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया? नहीं, द आंसर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेवर फेल्स। और इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं you release some negative energy, you had some self-doubt which actually overpowered that positive energy you were releasing in the environment. As I said earlier that negative energy is way more powerful than positive energy, so you have to make sure ki aap negative cheezon se door raho and never actually react to the absence of what you want. You have to be patient, you have to be calm and wait for something good to happen to you by being positive, releasing positive energy and attracting the thing you want rather than crying on something you don't have. You have to keep the attitude of maybe if not this time, then next time, but I will achieve it. You must have heard the story of spider and the wall. अ स्पाइडर वॉल पे चढ़ती है, इतनी बार गिरती है चढ़ती है, लेकिन इवेंचुअली वो ऐसी एंड्स अप एट द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल अचीविंग हर गोल। हैव यू एवर सीन अ सक्सेसफुल पर्सन बीइंग सो नेगेटिव अबाउट एनीथिंग इन लाइफ? एंड टेल मी वन थिंग, दैट इफ़ यू डोंट हैव समथिंग, वट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू क्राई ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग दैट आई डोंट हैव दिस, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर हसल फॉर इट, वर्क हार्ड बट विदाउट वरी फियर एंड नेगेटिव थॉट्स एंड रिलीजिंग पॉजिटिव एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। सी बचपन में हम सबका सपना होता है कि हाँ मैंने बड़े होके क्रिएटर बनना है, मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ अस आर नेवर एबल टू अचीव दैट थिंग। हाँ मुझसे भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम माई थॉट्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, या फिर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आया मुझ पर, सोसाइटी के थ्रू आया या किसी भी तरह से आया, जिससे मैंने वो अपना गोल क्विट किया। सी हर इंसान गोल क्विट नहीं करता अपना, क्यों? क्योंकि कई लोग बनते हैं ना क्रिकेटर, कई लोग एस्ट्रोनॉट भी बनते हैं ना, लेकिन मोस्ट ऑफ अस नहीं बन पाते। द रीज़न इज कि पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करना हर समय, सेल्फ डाउट को आसपास भी ना आने देना, इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क,
बट एज यू नो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मेजोरिटी दुनिया में चार तरह के इंसान होते हैं, पहले जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कुछ काम नहीं करते, दूसरे जो काम तो करते हैं बट उनके थॉट्स इतने नेगेटिव हैं, और तीसरे जो काम भी करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज भी करते हैं, और चौथे जो ना काम करते हैं और वो हर समय नेगेटिव हैं। तो आप मुझे पहली बात खुद बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, और इन चारों कैटेगरी में से कौन सा इंसान, विच पर्सन इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल और टू अचीव एनी पर्टिकुलर थिंग। वो चीज़ छोटी भी हो सकती है, वो चीज़ बड़ी भी हो सकती है। एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल, उसका ये मतलब नहीं है कि यू अर्न बिलियन डॉलर्स। कोई भी चीज़, छोटी से छोटा गोल भी अचीव करना इज अ सक्सेस। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को, सो आई रैप अप बाय सेइंग यू कि एक टास्क करो, वीडियो ख़त्म मत करो, वीडियो के चलते चलते ही करो। राइट डाउन व्हाट यू वांट टू बिकम या फिर व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 30 डेज एंड हाउ यू विल डू इट। आई एम वेटिंग, करो। नहीं किया ना, यही तो प्रॉब्लम है, प्रोकेस्टिनेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। आप एक वीडियो देख रहे हो YouTube पे मोटिवेशनल या सेल्फ ग्रोथ की, बट अगर आपको उसमें काम दिया है, एक टास्क दिया है, वो आप नहीं कर रहे हो, तो नाउ यू हैव टू थिंक कि आप उन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। एंड डिसिप्लिन इज ऑलवेज हायर ग्रेटर देन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन फेड्स बट डिसिप्लिन नेवर फेड्स। सो आई विल रैप अप बाय सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड डू दैट पर्टिकुलर टास्क, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू अचीव इन 30 डेज एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। थैंक यू।